अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए जी, आज का हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ब्लॉग की शुरुआत होती है हम मेरे बर्तन धोने से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो रहे थे और मैंने सोचा क्यों ना पहले बर्तन धो लिया जाए, उसके बाद स्लैब वगैरह साफ़ कर लिया जाए। तो किचन हो गया था हमारा साफ, उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं कपड़े पहनने के लिए, मैं नहा कर आ चुकी थी और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सूट कैसा लग रहा है। और फिर उसके बाद पढ़ी मैंने नमाज़, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं पढ़ती हूँ कुरान शरीफ। आप लोग बताना आप लोगों को कौन सा सिपारा चल रहा है, मेरा तो फ़िलहाल अभी छठा चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन कर रही थी अफ्तारी की तैयारी, यहाँ पे पालक आलू और प्याज काट रही थी पकौड़ियों के लिए। तो मैंने कहा तू ये कर, मैं जब तक किचन में जाती हूँ और मैं जब तक चने चढ़ा लेती हूँ। और ये रहे चने भिगोए हुए थे। उसके बाद हमने ये लिए कुछ मसाले, हमने थोड़ा सा नमक लिया, एक तेज़पत्ता, थोड़ी सी धनिया, मिर्च और हल्दी और प्याज हमने चने को डाला कुकर में। उसके बाद ये सारे जो मसाले थे हमने इसमें कुकर में ऐड कर दिए। और ये जो थोड़ा सा मसाला इसमें लगा है हमने थोड़ा डाला इसमें पानी, और पानी डाल के हमने डायरेक्ट डाल दिया कुकर में। फिर थोड़ा सा हमें और पानी की ज़रूरत थी तो हमने और पानी डाला एंड हमने लीड बंद कर दी। अब हमें लगाना है इसमें 3 सीटी, और 3 सीटी के बाद हम कुकर बंद कर देंगे। और देखिए हमारे चने बनके तैयार हैं और ये मैंने प्लेट में निकाल लिया। तो सारी हमारी इफ्तारी बन चुकी थी और दस्तरखान भी लग चुका था क्योंकि रोज़े का हो गया था टाइम। तो कुछ इस तरीके से गया हमारा पहला रोज़ा। तो वो चलिए वीडियो को मैं ये एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब।